जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बेंजीन रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको शॉर्ट में ESR भी बोलते हैं, ठीक है, रिएक्शंस ऑन बेंजीन। सबसे ज़्यादा बेंजीन पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाओ देखिए, तो क्या होगा यहाँ पर, लेट्स से आपके पास एक बेंजीन है, ठीक है, एंड बेंजीन के ऊपर आपने कुछ लगा रखा है या कुछ भी नहीं लगा रखा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐसे कुछ भी नहीं लगा रखा, लेट्स से ये हाइड्रोजन ऐसे मैंने मार्क किया हुआ, एंड आपके पास अभी ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने का सिंपल सा रीजन पता है क्या है? अट्रैक्ट होने का सिंपल सा रीजन है आपका कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा। क्या ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस हाँ सर, ना, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, किसी भी पोजीशन पर अटैक कर सकता है अभी के लिए, बिकॉज सारी की सारी पोजीशन इसके लिए एक जैसी है। अगर ऐसा है तो लेट्स से ये इस पोजीशन पर अटैक करता है, जैसे ही इस पोजीशन पर अटैक करेगा व्हाट विल हैपन इज, जो फर्स्ट स्टेप आपका दिखाई देगा आपको वो ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे पहुँचता है तो वैक्यूम क्लीनर की तरह से ज़ करके पूरा इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। या फिर आप इसे और आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला बॉन्ड ना कुछ ऐसे टूट जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे ताकि ई प्लस इससे चिपक सके, एंड इधर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, हाइड्रोजन ई प्लस, ये डबल, किसी को भी डाउट है इस वाले पॉइंट में? ये समझना बहुत जरूरी कि ऐसा कैसे हो रहा है। हाँ जी बताओ जी, दिखा आपको? यस सर, चलो सार्थक आया। चलो जी, किसी को भी डाउट है इस वाले स्टेप पे? अब क्या होगा फर्दर आपके पास, ऐसे होगा, यहाँ पर चीज़ें हटेंगी और जैसी चीज़ें हटेंगी यहाँ पे आएगा पॉजिटिव डबल डबल एच एंड ई। यहाँ पर भी फिर से रेजोनेंस होगा। आई डोंट थिंक कि रेजोनेंस में किसी को भी डाउट है, रेजोनेंस हमने पढ़ा भी हुआ है ना, यस है सर, ये तुम्हारे पास है। और अब क्या होगा, यहाँ पर एच प्लस का निकलना काफ़ी आसान है कंपेयर टू ई, ठीक है, क्यों? क्योंकि एच प्लस ऑब्वियसली प्रोटॉन निकलना है, ई आपका अगर निकल जाएगा तो फायदा क्या होगा इतनी पूरी चीजों का? हमारे पास ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना, दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ से एच प्लस निकलेगा तो नेगेटिव आएगा, एच प्लस निकलेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा, ये आपका ई, ये कुछ इस तरीके से, दिस इज नोन एज ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यहाँ पर? आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। एक बार चेक कर लो, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, ठीक है, चले आगे। किसी को भी डाउट है स्टेप में कि कैसे किया? सिमरन कोई डाउट बच्चे? नहीं सर, ये आपका ये ESR की बात हो गई, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके चिपक गया। अब आगे क्या होगा, ठीक है, आगे की बात करें तो हमारे पास ये बहुत 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 वैरायटी के रिएक्शंस हैं, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप उन सबको एड्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स क्या होंगे हमारे पास? टाइप्स ऑफ ESR, तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी माय, ऐसे करके यहाँ पे रिएक्शन का नाम,
इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट E प्लस समझ में आ रहा है ना आपको क्या है इलेक्ट्रोफाइल ठीक है फर्स्ट इज गोइंग टू बी माय हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफाइल इज Cl प्लस और Br प्लस ठीक है रिएजेंट क्या हो सकता है AlCl3 Cl2 FeBr3 Br2 इवन कुछ कुछ केस में आपका Br2 एथनोइक एसिड में भी यूज हो जाता है इसका रीजन बता देता हूँ ठीक है ये लेकिन इसको फ्रिडल क्राफ्ट नहीं बोलते मतलब Br2 का ब्रोमिनेशन हो सकता है हैलोजिनेशन को पर ये भी यूज किया जा सकता है चलो जब आएगा तभी बताऊंगा कंफ्यूजन ना आपका प्रोडक्ट क्या होगा लेट्स से आपके पास सिर्फ बेंजीन रिंग था तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा Cl यहाँ पर आपको क्या दिखेगा Br एंड इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लेट्स से आपके पास ये एग्जाम्पल वन दो एग्जाम्पल करेंगे साथ ही साथ एग्जाम्पल वन आपके पास ये बेंजीन रिंग है एंड मैंने इसके ऊपर डाल दिया FeCl3 एंड Cl2 एंड यू विल गेट Cl ठीक है नेक्स्ट एक चीज आप देखना आपके पास ये जो है OCH3 अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने वाली हैं पहले यहाँ तक बताओ किसी को यहाँ तक जरा सा भी डाउट है कि हम क्या कर रहे हैं नो सर ठीक है नो सर ठीक है तो आपके पास क्या होगा OCH3 को अब हम आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं कि अगर इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये कैसा ग्रुप होता है प्लस आर अगर ऊपर कुछ होता है लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कुछ होगा तो ये कैसा ग्रुप होता है प्लस आर होता है कि नहीं होता है ना अगर ये प्लस आर होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है बढ़ती है किधर बढ़ती है ऑर्थो एंड पैरा पे ठीक है क्या ये बात समझ में आ रही ऑर्थो एंड पैरा पे आपको कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी बढ़ेगी क्या किसी को भी डाउट है तो तुम्हारा जो सब्सटीट्यूशन की चार्ज ये चीज समझ में आ रहा है कि नेगेटिव चार्जेस जो मैं लगा रहा हूँ ये सबको समझ में आया इलेक्ट्रॉन जब आया होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना तो नेगेटिव इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इलेक्ट्रॉन इन पोजिशन पे बढ़ गए जब इलेक्ट्रॉन इन पोजिशन पे बढ़ गए आप चाहो तो मैं फिर से बना के दिखा दूँ क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या समझ में आ रहा है आ रहा है समझ आ रहा है चलो जी किसी को भी डाउट है मैं बोल दूं मैं दोबारा बना दूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक सेकंड का काम लगता है ठीक है यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव क्यों लोन पेयर गए अंदर यहाँ 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 पे आएगा तो इन सब पोजीशन पे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड है ये हमने प्लस आर वाले में देखा भी था ये एक्टिवेटेड है जब एक्टिवेटेड है और आपके पास क्या आ रहा है लेट्स से यहाँ पर जो मैंने रिएजेंट लिया है वो लिया है मैंने FeBr3 एंड Br2 ठीक है ये FeBr3 एंड Br2 जैसे लिया तो ये Br+ जनरेट करेगा ये Br+ किधर की तरफ एक्टिवेटेड होगा या किस तरफ अट्रैक्शन करेगा ये ऑर्थो पे जाना चाहेगा पैरा पे जाना चाहेगा पैरा पे हम मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं क्यों मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं इसका सिंपल सा रीजन ये है कि पैरा पोजीशन पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा ठीक है पैरा पोजीशन पे ऐसा नहीं कि हाँ बनेगा नहीं बिल्कुल बनेगा यहाँ पे लगाओगे Br यहाँ लग सकता है एक प्रोडक्ट ये हो गया Br यहाँ लग सकता है एक प्रोडक्ट ही हो गया ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट है सीधा सा रीजन इसका ये है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है Br+ का आके चिपकना आसान है इसलिए हम ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है यहाँ पर एक छोटी सी चीज और जो AlCl3 है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर और इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर का सिंपल सा रीजन क्या है कि आपका ये जो AlCl3 है
प्लस सी एल टू, ये आपको देगा ए एल सी एल फोर निगेटिव एंड सी एल प्लस। अब ये कैसे हो रहा है, आपको याद होगा जो ए एल सी एल थ्री है वो ए एल सी एल थ्री एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, वेकेंट ऑर्बिटल है। इस वेकेंट ऑर्बिटल में एक सी एल माइनस को एक्सेप्ट करता है और एक सी एल प्लस बच जाता है। क्या ये रिएक्शन सबको समझ में आई, हैलोजिनेशन किसी को डाउट है? नो सर। सर अगर यहाँ ओ सी एच थ्री नहीं होता तो नॉर्मल जैसे सी एल के साथ हुआ वैसे हो जाता ना, मतलब जो बिल्कुल आपने फर्स्ट बिल्कुल, एग्जांपल ठीक कहीं है। पर भी लगा दो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एक ग्रुप लगा हुआ है फिर यू हैव टू सी कि उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, ठीक है सर। सर जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें APCl3 और AlCl3 दोनों हो सकते हैं यूज। ओके सर। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ आप लोग को, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज देखना, यहीं पे बता रहा हूँ आपको, मेजर की पॉइंट। ठीक है, आपके पास जब यहां पर जब लग जाता है एंड यू हैव अ हैलोजन ओवर हियर, तो इस हैलोजन का जब आप ESR कराते हो, ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, पर लेट्स से यू आर गोइंग टू चेक एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर। ठीक है, आप किसी और चीज की बात करोगे तो हम क्या करते हैं, हम वी कंसिडर इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों, फॉर हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज मोर। इस पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भी बनता है, मैंने जो आपको यहां पर बताया ना, इसका क्या मतलब है कि जब आप ESR के लिए देख रहे हो तो ये एक्टिवेट तो कर देता है, ये मतलब लोन पेयर तो पहुंचा देता है ये वाली पोजीशन पे, तो हम ऑर्थो पैरा लगा के ये काम कर लेते हैं। आ जाओ इसको देखते हैं, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड वाला पोर्शन कर ही रहे हैं। आ जाओ यहाँ पर देखना, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और पूछा जाता है। तो आपके पास क्या हुआ, अगर यहाँ पर ये देखा तो लेट्स से आपके पास क्लोरीन है एंड व्हाट डू यू डू इज यू पुट FeBr3 एंड Br2। जैसे आपने किया, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, Br+ होगा। आपके पास क्या दो प्रोडक्ट बनेंगे, आपके पास दिस कैन गो टू क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, और यहाँ पे आया ये आपके पास क्लोरीन, ये ब्रोमीन दोनों बन सकता है। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नो अगर सर। कोई क्वेश्चन इसी में जो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज विच हैज हाईएस्ट या लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, इन द रिंग। आप पास ये है सीएल बेंजीन OH एंड फोर्थ NH2। सेकेंड वाला H2 NH2 वाला कैसे, नहीं OH1 OH वाला कैसे बच्चे? सब ड्राइंग नेचर नहीं होगा उसका। OH पे लोन पेयर है कि नहीं? अच्छा, लोन पेयर है कि नहीं है? ड्राइंग नेचर भी तो देखेंगे फिर। नहीं, विड्रॉइंग नेचर सिर्फ हैलोजन के केस में देखे, मैंने ये और कहीं पे नहीं देखा। आप और वैसे भी विड्रॉइंग नेचर तो यहाँ पर भी था, तब भी हमारे पास क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा डोनर है, नाइट्रोजन तो बेस्ट डोनर है, नाइट्रोजन इतना ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, नाइट्रोजन तो बहुत अच्छा है, और बताए क्यों, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। अगर इन तीनों मुझे देखना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा, वैसे तो ऑक्सीजन का है। ठीक है, बट यहाँ पर जो तुम्हारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन वाला केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं देख सकता और देख सकता हूँ, चलो मैं बता ही देता, ऐसे एक मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। पहले इधर देखना,
ये दोनों केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है, इसका कम है, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, फिर ये डोनेट करेगा। अब बात आती है सर इन दोनों में बताओ, यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो 2p 2p होगा जब रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो 2p 3p होगा, तो ये ओवरलैप खराब होगा, तो यहाँ रेजोनेंस इतना अच्छा नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, ठीक है, ये बहुत ही डिटेल्ड रीजन है, बट मैं आपको एक लाइन पढ़ाता हूँ, आपको डिटेल समझाता हूँ, आंसर इसका फंस जाएगा। ठीक है, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आ जाओ पहले इसको देखते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आ जाओ पहले इन केस ऑफ आयरल हैलाइड्स हैलोजन्स आर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। क्लासिक क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं भेज रहा, आप देखो उन्होंने समझाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कौन सा है, देखो यहाँ पे लिखा इट मेक्स फर्दर सब्सटीट्यूशन डिफिकल्ट, कि आगे नहीं होता। हाउएवर द रेजोनेंस ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा इज ग्रेटर देन मेटा, हेंस दे आर ऑर्थो पैरेक्टा डायरेक्ट रिंग ग्रुप। हैलोजेंस इसीलिए बहुत ज्यादा अलग केस बन जाता है कि है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके अंदर कम होता है बिकॉज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर इनका ज्यादा है। ये आपको पहली बार क्लास 11th की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, एंड दूसरी बार कहाँ मिलेगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, हैलो एल्केन्स में। आप रीड करोगे जब एनसीईआरटी तो हैलो एल्केन में देयर इज अ एग्जांपल ये रहा, देखना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखना ये अपना पूरा समझाया हुआ उन्होंने, उसने लिखा है दो रेजोनेंस हैलोजन टेंड टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अभी आपने देखा द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड कॉजेज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, देखा दूसरी बार, एंड दिस कॉजेज नेट डीएक्टिवेशन। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड हेंस मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस एट ऑर्थो एंड पैरा। वो कह रहा है कि रेजोनेंस से जो डीएक्टिवेशन है वो ऑर्थो पैरा पे कम हो जाता है। रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। ओरिएंटेशन मतलब कोई चीज आएगी कहाँ लगेगी ये रेजोनेंस से डिसाइड हो रहा है, बट रिएक्ट होगा या नहीं होगा ये इंडक्टिव से डिफाइड हो रहा है। आई बस समझ में, क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या लाइन समझ में आई? यस सर, तो टेक योर टाइम, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा ना वैसे? यस हाँ फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, एंड थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, इसी ऑर्डर में इनका इलेक्ट्रॉन सर, डेंसिटी है। आ जाओ मैं इस पे 1 मिनट देना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली इसी बात को समझाने के लिए आपका ESR शुरू किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, एक बार किसी को भी डाउट है इसमें तो देख ले। सर वो आपने लाइन क्या बताई थी अभी रिएक्टिविटी वाली? इसमें रिएक्टिविटी वाली बात बचे कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस में, तो आपने बोला कि हाँ सर क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है, क्लोरीन ने खींच लिया होगा। क्या ये बात समझ में आई? बट अगर ओरिएंटेशन के लिए, से अभी आपने ऊपर क्या किया इसी क्वेश्चन में देखना, आपने ऊपर क्या किया, मैंने बोला बेटा मैंने ये लगाना है किधर लगाना है, तो आपने बोला कि सर ऑर्थो या पैरा पे लगा दो, लगा दिया, सही आंसर है। आई बात समझ में? तो ये आपने क्या किया, ये आपने ओरिएंटेशन की बात किया, यहाँ पर आपने रिएक्टिविटी की बात किया। यस सर, क्लियर? किसी और को भी डाउट है यहाँ तक? किसी और को भी डाउट है जरा सा भी? क्लियर? यस सर, ऑल गुड, चलें आगे फिर। यस सर, चलो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज, ये तो हमने अभी हैलोजिनेशन किया, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सल्फोनेशन। इसको देख लेते हैं कैसे,
रिएजेंट है ना। सल्फोनेशन समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आपका पूरा ऑर्गेनिक का तैयारी हो रहा है, आप ये समझ लो आप किसी एक जगह काम नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, रिएक्शन की बात करें और आपने ये डेली रिवाइज करना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डेली जितना भी आप कुछ दिनों से पढ़ रहे हो ना, वो आपको डेली ही पढ़ना है। जब तक आपको ऑर्गेनिक चलेगा तब तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना अच्छे से ये कर जाओगे ना, आपको चीजें घूमती हुई नजर आएंगी तुरंत, आपको लगे हाँ ये यहाँ फिट होगा, ये यहाँ फिट होगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि क्या बकवास चल रहा है, सब कुछ लगता है याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करने वाला नहीं आप देख रहे हो, यहाँ पे समझने वाला है। जो समझने वाला है वो सब कुछ देख रहे हो आप। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? करते रहोगे ना ये चीज, रुकना नहीं भाई। डेली आपने बस रात में सोने से पहले जो मैंने लिखा है बस अच्छे से देख के सोना है एक बार, जल्दी जल्दी। मुश्किल से अभी तक 20-30 पन्ने लिखा है। कितने पन्ने लिखा है अभी तक? नहीं। चलो ठीक है, आ जाओ जी। रिएक्शन देखना, सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन में आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इकलौता ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो मिल रहा है आपको जो न्यूट्रल है इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो ओलियम। ठीक है, आप इवन कंसनट्रेटेड H2SO4 कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे आप कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो, यहाँ पर SO3 जनरेट होता है। सिंपल सा रिएक्शन है कि H2SO4 दूसरे H2SO4 को डिहाइड्रेट कर देता है। पी ब्लॉक में पढ़ा था, इट हैज अ डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट, पानी खींच लेगा। अगर यहाँ से वाटर H2O- करोगे क्या दिखेगा? SO3 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, अब ये जो SO3 है, इस SO3 में आपके पास ये जो बीच में है ये पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कि नहीं है? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ठीक है, यस सर। देख आया समझ में कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है समझ में आया? प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास? ये आपका प्रोडक्ट होगा SO3-, और जो H+ निकल रहा है ना वो H+ को ही रख लेता है, उस H+ को ही रख लेता है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि हुआ कैसे? आपने यहाँ यस पर सर। जनरेट किया, ये आपका SO3 जनरेट कर रहा है, SO3 यहाँ से अटैक करता है, ये सल्फर वाले पॉइंट से अटैक करेगा। तो जब अटैक कर रहा होता है तो एक बॉन्ड तोड़ देता है, तो करीबन SO पे नेगेटिव, इस सल्फर पे पूरा पॉजिटिव। ये अब ये जहां पे पॉजिटिव वहां से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया। अब जुड़ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा। जो H+ आप एलिमिनेट कर रहे थे वो H+ ये रख लेता है कि दूर क्यों जाना, पास आ जा। क्लियर? यस सर। चलो जी आगे चले। यस सर। चलो यस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या होगा कि आपने लिया हुआ है लेट्स से क्लोरीन, एंड मैंने फ्यूमिंग H2SO4 डाल दिया, बताओ कहाँ लगेगा? पारा पे पैरा पैरा पे। वेरी गुड। ठीक है चलो जी, ये हमारा हो गया सल्फोनेशन। नो आप लोगों को कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। बहुत ज्यादा तेज। कितनी तेज आ रही है? रुको मैं इसको साइड करके आता हूँ।
बहुत तेज आ रही है ना। ऐसे डिस्टर्बिंग नहीं है सर, मतलब ठीक है। चलो ठीक। अच्छा जी, देखना सल्फोनेशन वाली बात क्लियर है सबको। सल्फोनेशन के बाद व्हाट डू वी हैव इज नाइट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रेशन में हमारे पास क्या होता है, एनओ टू पे पॉजिटिव। नाइट्रेशन में एनओ टू पे पॉजिटिव आएगा, एंड जहाँ पर रिएजेंट यूज होता है वो होता है एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर। ठीक है, एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर। ये कैसे करता है, एच एन ओ थ्री को आप देखो, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी है। ओ एच एन ओ टू प्लस एच टू एस ओ फोर, एच टू एस ओ फोर ऐसे वो करेगा रिवर्सिबल, एच प्लस प्लस एच एस ओ फोर माइनस। ये जो एच प्लस है ये आपका किस पे अटैक करता है, ये यहाँ पर। इस पे सबसे पहला क्वेश्चन सुनना, एच एन ओ थ्री और एच टू एस ओ फोर के मिक्सचर में कौन एसिड है और कौन बेस है। दोनों एसिड है। ना 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 ना, देखना यहां पर अगर आप देखोगे ये एच टू एस ओ फोर एच प्लस लूज कर रहा है, ये एसिड है, और ये एच प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेस है। जब एच प्लस एक्सेप्ट करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, एनओ टू पे और ये ओ एच टू पॉजिटिव, ये अलग हो जाएगा एनओ टू पे पॉजिटिव। आया समझ में, एनओ टू पॉजिटिव कैसे जनरेट हो रहा है। यस, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आता है, पता नहीं इक्विलिब्रियम में कहीं पे तो होता है ये रिएक्शन। उस क्वेश्चन में ऐसे होता है कि व्हाट इफ अगर हम इसमें के एच एस ओ फोर डाल दें, और अगर आप इसमें के एच एस ओ फोर और डाल दोगे ना, तो बताए एच एस ओ फोर माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्शन पीछे चली जाएगी, एच प्लस का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। देखा आप लोग को कि अगर आपने के एच एस ओ फोर डाल दिया और, तो यहां पर एच एस ओ फोर माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी, एच प्लस बनना कम हो जाएगा, और अगर एच प्लस बनना कम हो जाएगा तो इस पे अटैक नहीं होगा, तो एनओ टू नहीं बनेगा, और अगर एनओ टू नहीं बनेगा तो नाइट्रेशन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक यस सर, है, यस सर, ऑन एडिशन ऑफ के एच एस ओ फोर नाइट्रेशन स्लोज डाउन। चलो जी, नेक्स्ट देखना है। यहाँ पर ये आपके पास जो प्रोडक्ट होगा, इसमें प्रोडक्ट ऐसा है, ये आपका एनओ टू जुड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये होगा आपका, लेट्स से आपने क्या किया, यहाँ पर एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर डाल दिया, क्या बनेगा, ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा, एनओ टू लग जाएगा। इसमें आपने डाल दिया फ्यूमिंग एच टू एस ओ फोर, अब बताओ क्या बनेगा। इस बार आपका एनओ टू कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग बिल्कुल विड्रॉइंग, कैसा विड्रॉइंग, बहुत खतरनाक विड्रॉइंग, माइनस आर ग्रुप है। माइनस आर ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव 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 जनरेट करेगा। अगर आप पहले तो ये रिएक्ट ही नहीं करना चाहेगा, बट अगर आप पीछे पड़ जाते हो कि नहीं भैया रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा, तो ये कौन सी पोजीशन पे जाना प्रेफर करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो हम इसे मेटा डायरेक्टर भी बोलते हैं, ये भी हमने रेजोनेंस में पढ़ा था, और इस बार ये बनेगा। क्या ये बात समझ में आई। ये हर यस एक सर, जो ऊपर वाला स्पीशी है ना, वो डिसाइड करेगा आगे वाला स्पीशी कैसे लगने वाला है। सर मेटा पे इसलिए जा रहा है ना, बिकॉज जब मतलब एनओ टू की वजह से मेटा पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक हाँ, एग्जैक्टली है सर, ठीक है, क्योंकि एसओ थ्री पे भी पॉजिटिव है, उस पे भी पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्या किसी को भी नाइट्रेशन रिएक्शन में जरा सा भी डाउट है, क्या यूज करते हैं एच एन ओ टू। जो H2O और NO2 वाली चीज से को समझा सकते हो, ये H2O कैसे निकला था? क्योंकि एच यहाँ टू ओ पर का HO ये NO2 है ना। देखिए, यहां पर देखना ये ओ एच, जो एच एन ओ थ्री ऐसे है ना, ओ एच और एन ओ यस टू, सर, तो जो एच प्लस यहाँ पर गया तो प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे तो लोन पेयर पे जाके चिपक जाएगा, अब ये यस सर, बनेगा समझ, ओ एच टू यस पे सर, पॉजिटिव। अब जब वाटर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो एनओ टू पे पॉजिटिव आ जाएगा। ओके सर,
किसी को भी नाइट्रेशन में डाउट है, नम्रता सुन रहे हो ना आप? सर। चलो जी गुड, चले आगे चले जी। यस सर। चलो नाइट्रेशन हो गया, अब हमारे पास जो अगला आएगा दैट इज फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडिल सही लिखा ना? फ्रिडिल में, फ्रिडिल में सही लिखा था ना? नहीं, हाँ ई आई होता है शायद। ई आई, हाँ हाँ सर, ई आई। वही 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 ई आई, फ्रिडिल डी एल सही है ना? अल्काइलेशन। चलो जी अल्काइलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आर प्लस होगा, आर प्लस कुड बी एनीथिंग, ठीक। फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन आर प्लस, इसमें समझना क्या बनेगा? जहां पर आपके पास जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है एल सी एल थ्री प्लस आर सी एल। जैसे आपने ये किया होगा एल सी एल थ्री प्लस आर सी एल, ये इसमें से खींचेगा एंड आपके पास आर प्लस जनरेट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से, क्या किसी को भी डाउट है इसमें आर प्लस वाली बात में? नो सर। ठीक है, अब जैसे ये आर प्लस वाली चीज होगी, व्हाट विल हैपन इज कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इसके ऊपर आर। इसका रिएक्शन क्या एग्जांपल होगा? ये बेंजीन है, इसके ऊपर सी एल लगा है, यू हैव सी एच थ्री सी एल एंड ए एल सी एल थ्री। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा पे सी एच थ्री। बताओ कोई डाउट है इसमें? आराम से देख लो। तो ए एल सी एल थ्री और आर सी एल से ए एल सी एल फोर माइनस और आर प्लस बनता है। जी ओके सर। वो सर वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से बनता है ना। यस, चलें आगे। ठीक है, इसका एक यस सर। बहुत अच्छा, बहुत 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 फेमस, अगेन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप समझ लो पूरी एनसीईआरटी के जो मेजर पॉइंट्स है ना वो पढ़ा रहा हूँ भाई। मतलब मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है चलो जी, तो अब यहाँ पर देखना जो की पॉइंट है यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा? सिंस यस कार्बोकैटायन सर। इज फॉर्मिंग, कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट का चांस होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, और इसी वजह से एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है दैट इज ये वाली। अरे ठीक है, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपके पास बेंजीन है एंड यू हैव सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल एंड आपने ए एल सी एल थ्री ले लिया। जैसे आपने ये लिया होगा आपका दिमाग कह रहा होगा बना दो भाई यहाँ पे सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, ये गलत। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं बनता। ठीक है एक सेकंड, चलो जी यहाँ पर देखना, ये था, ये सबसे ज्यादा ध्यान देना क्या है, कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, आपको लगा ये बनेगा बट एक्चुअली क्या बन रहा है यहाँ पर, जो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू पे पॉजिटिव है तुरंत कोई रीअरेंजमेंट होके सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री बना लेगा और ये बनेगा हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट करेगा ये आपके पास बनेगा इसके ऊपर सी एच सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन।
एंड अगर आप अल्कोहल फिनॉल ईथर तक पहुंचे होगे तो देर इज अ रिएक्शन नोन एज एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, सुनिए आपने, अगर आप लोग पहुंचे होगे तो। नहीं आवाज आ रही है? यस सर, ओके, सो पहुंचा कोई एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन तक? नो सर, क्यूमीन समझ में आया कि नहीं आया? क्यूमीन में किसी को भी डाउट है कि क्यूमीन क्या होता है? इसको, इसका नाम एक यस और चीज होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सर, ये बस इस केस में होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, वो था कार्बोडाइन बनते ही शिफ्ट हो गया, ठीक है, या कार्बोडाइन बनता ही वहीं पे, आप ऐसा भी समझ सकते हो, कार्बोडाइन बनता ही वहीं पे, जब टूटा वो कुछ इस तरीके से ही शिफ्टिंग होता है उसका कि तुरंत वहीं पे बनता है, ठीक है, और जैसे आपके पास CH पे प्लस आया वो तुरंत प्लस इससे अटैक करेगा, और ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और NCERT में नहीं है, ठीक है, पर NCERT में पूछी जरूर जाती है क्योंकि क्यूमीन दिया हुआ है हमें, ठीक है, और एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन में आपको यही सिखा दूं, ठीक है, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन इसी के साथ साथ कर ले रहे हैं, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन इज गोइंग टू बी आपका ये होता है, ये ऑक्सीजन ना बीच में जाके, ये एयर बोला जाए O2 बोला जाए एक ही बात है, ये ऑक्सीजन यहाँ बीच में जाके बैठ जाता है, और जब ये बीच में जाके बैठ जाता है ना तो पानी जब हम डालते हैं तो ये टूट जाता है, और ये टूट के दो बहुत ही फेमस कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक के, एक को फिनॉल बोलते हैं और एक को एसीटोन बोलते हैं, ये NCERT की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा होगा, इसमें एक एक स्टेप याद रखना है आपको, इसमें एक एक स्टेप याद रखना है, ये मतलब मैंने अभी तक हर एक दो साल एक दो साल एक दो साल कहीं ना कहीं पूछी ही जाती है, क्या एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन में किसी को डाउट है? नो सर, ठीक नो है, सर, ये इसका प्रॉपर फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन का इसमें वो है, लास्ट हमारा रिएक्शन है दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको इस रिएक्शन के साथ एक दिक्कत नजर आ गई होगी अगर आपने बहुत ध्यान दिया हो तो, कार्बोकेटाइन बनते ही रीअरेंजमेंट करे जाएगा, देखा ये इसकी प्रॉब्लम है, ये इसकी अच्छी बात भी है इसकी प्रॉब्लम भी है, देखा आपको सर कार्बोकेटाइन हर कोई बनते ही कार्बोकैटायन करेगा रीअरेंजमेंट। जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल है, मतलब अगर कोई 1 डिग्री तो 2 डिग्री, 2 डिग्री तो 3 डिग्री, ये तो कर ही जाएगा ना, अगर एक स्टेप में अच्छा हो रहा होगा तो कर लेगा कि नहीं कर लेगा, मैं पता कैसे चलेगा कुछ? आपको पता ऐसे ही चलेगा ना, लेट्स से कि आपके पास, आपने ये वाला किया, आपके दिमाग में ऐसे कि यहाँ से टूटेगा, जहाँ से टूटेगा वहाँ क्लोरीन आएगा, आपको दिख रहा है 2 डिग्री अच्छा है, कर दो आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करके देखो, कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट चेक करना ही होता है, ठीक है, यहां पर आपने देखना, जैसे आपने देखा यहां पर आपको दिख रहा है सर यहाँ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर आपने देखा सर अगर मैं एक खिसका दूं तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दिखाई दिया, यही तो हम चेक करते थे पहले भी, क्या यस सर, वो कोई डाउट है इसमें? अब जैसे मैं इसमें ही कह रहा हूँ आपके पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ गया तो ये तो शिफ्ट कर जाएगा ना पक्का से, तो आपको दिख ही रहा होगा 3 डिग्री बन जाएगा, ये नहीं करेगा शिफ्ट, यस सर, ऐसे में आपको ऐसे पता चलेगा, आ जाओ जी फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करते हैं, मुझे लग रहा है मैंने गलत लिखी यार स्पेलिंग फ्रिडिल की, पता नहीं जो भी आप देख लेना, असाइलेशन यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये होता है R C डबल बॉन्ड OP+, यूज क्या होता है RCOCl+ AlCl3,
देयर आर COCl प्लस AlCl3 में किसी को डाउट है? ठीक, ये रिएजेंट यूज होता है, दिस इज द रिएजेंट यूज, और अगेन यहीं पे होगा। मैं आपको ना एक और बढ़िया सी चीज़ बताना चाहता हूँ, बस ये आज की लास्ट रिएक्शन है। आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने ये सारा का सारा चार्ट पूरा याद करना है बाय हार्ट। नेक्स्ट क्लास में पहले हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको SNAR पढ़ाऊंगा। आर वी हैविंग अ क्लास ऑन संडे? हाँ सर, कर सकते हैं शाम को। संडे का टाइम हमने क्या डिसाइड किया था? संडे आप चाहो तो हम लोग 6 से 7 के आसपास, 4-5 बजे दोपहर में भी करके खत्म कर सकते हैं। आप देखो, सर टेस्ट है ना हमारा, तो मैं आते आते वही 6 बज जाएगा। ओ यस, सर रात की रख लूँ? रात हाँ की, ये 8:39 जो भी आप मजबूत करें। रात देखो, रात में किसी और को तो दिक्कत नहीं है? नौ सौ 9:30 के बाद करना है बस। 9:30 के बाद? हाँ सर 9:30 के बाद सही है। चलो ठीक है, 9:30 से 10:30 ही रखते हैं कल उस दिन भी। अमृता कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो जी ठीक है, फिर 9:30 से 10:30 के आसपास। सिमरन कोई प्रॉब्लम? ठीक नो सर। है, 9:30 से 10:30 से संडे को भी ठीक है। कल नहीं है, कल नहीं है क्लास। चलो जी, तुम्हारे पास RCOCl आपने यहाँ तक करना है। आपने बताया, अगर आपने थोड़ा सा और अपना प्रिपरेशन अच्छा करना है इस चैप्टर का, मैं जितना करा सकता था मैंने कोशिश की आपको मदद करने का, आप उसमें करने की कोशिश करना, क्योंकि अब तो 1 मिनट रुकना हो थोड़ा सा। चलो जी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करें, रिएजेंट आगे बाद RCOP प्लस RCOCl प्लस AlCl3 है ना। अब इसमें बात किया जाए आपका आगे, हाँ हमारे पास क्या है इसमें, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपके पास बनेगा ये, ठीक है। एंड एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो एग्जाम्पल आपका कुछ ये हो। ये इसकी खास बात पता है क्या है? आपने ये चीज नोटिस नहीं किया होगा, ये कैसा कार्बोकैटायन होगा, स्टेबल अनस्टेबल, सोचो। टेबल क्यों? ऊपर से ओलन पेटी। अरे वाह, गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये काफी स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट, कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, और रीअरेंजमेंट नहीं होता इसीलिए हमारा असाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कि हम असाइल ग्रुप को जोड़ते हैं। पहले ये बताओ NO2 यहाँ पर कैसा है? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, जैसे आपने ये किया ये यहाँ पर ऐसे लगा NO2 और ये आपका लगा COCH3, ये तो समझ में आ गया होगा। एक तरीका बताता हूँ आपको N प्रोपाइल वो वन बेंजीन बनाने का, यहाँ पर देखना, एक तरीका देखना। आपने क्या किया, ये लिया एंड आपने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl एंड AlCl3। जैसे आपने ये लिया, इस बार ये ऐसे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एंड अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ले लिया ZnHD, ठीक है। चलो ये अभी आपको मैंने बताया नहीं है, तो मैं सिर्फ रिडक्शन लिख देता हूँ आपके लिए। आप इसमें रिडक्शन करो, जैसे ही रिडक्शन करोगे इस बार आपके पास ये बन जाएगा CH2 CH2 CH3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बढ़िया रिएक्शन नहीं हो गया? अब तुम्हें ये बनाने के लिए यही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सोचा कि ये मैं डायरेक्टली लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, तब तो क्यूमीन बन जाता है ना। आई बात समझ यस में? सर। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब आपको रीअरेंजमेंट रोकने के लिए आपको ये रिएक्शन करना पड़ता है। क्या ये बात सुनना है? दिस इज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब ये हर चैप्टर में देखिए, लास्ट का हर एक चैप्टर एनसीईआरटी में खोल के देखो, लास्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन बेंजीन ही है हर एक चैप्टर में, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन करने बाकी हैं, उसके लिए आपको थ्योरी रटा होना चाहिए, ये जो मैंने आज आपको ESR का बताया, ठीक है, ये करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।